सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 9 बजे से। आज का मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है। आज मेरी तैयारी हो गई है कॉलेज जाने की और मैं जा रही हूँ आज कॉलेज, क्योंकि हमारी छुट्टियां तो पड़ गई थी 9 तारीख से। और आज मैं जा रही हूँ असाइनमेंट जमा करने। कॉलेज में तो कुछ काम है नहीं, सिर्फ असाइनमेंट जमा करना है मैंने, क्योंकि अगले महीने से मेरे पेपर हैं फर्स्ट ईयर के और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में रहती हूँ। और कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, मोनिका आप क्या करती हो? मैं कॉलेज करती हूँ, मेरा इस बार BA फर्स्ट ईयर है। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मैं बताऊँगी आज मेरा कॉलेज कहाँ है और किस जगह पड़ता है मेरा कॉलेज। मम्मी किचन गार्डन से ला गई है राई मामा लोगों के लिए। मम्मी ने मामा लोगों के लिए देहरादून के लिए रख रखा है 1 किलो घी हो गया, माल्टी हो गया, दूध हो गया और छाछ और ये हरी सब्जी। जो ये थैला रख रखा है मम्मी ने, ये मामा लोगों के लिए ले जाना है मैंने फाटा तक। तो दोस्तों चलते हैं कॉलेज। जो ये थैला है मैंने रख रखा है कंधी में ऐसे, और मैंने 3 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना है। फाटा जाने का जो रास्ता है वो ऐसी कच्ची सड़क है, ऐसी कच्ची सड़क से हमें 3 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। ये वाला जो रास्ता है वो मैंने तय कर दिया है, अब आ गई हूँ मैं सीधे रास्ते पे और यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं है, यहाँ से सीधा रास्ता है। और अब ना घना जंगल वाला रास्ता आएगा यहाँ से आगे। ये देखिए यहाँ कितना घना जंगल वाला रास्ता है और यहाँ ज़्यादातर बुरांस के पेड़ हो गए, बांज के पेड़ हो गए, मतलब ज़्यादातर घास और फूल के पेड़ और फल के पेड़ हैं। काफल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, और बुरांस के तो बहुत ही ज़्यादा हैं और बांज के भी। तो दोस्तों काफ़ी पैदल रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूं रोड में। और जो ये इधर वाली जो रोड है ये केदारनाथ के लिए जाती है, और ये वाली रोड जो है ये फाटा, मतलब फाटा से आगे तक जाती है, जाना है इस साइड। और आजकल जो है ना रोड बहुत ही सुनसान है, क्योंकि यात्रा सीजन जो है वो 6 महीने के लिए बंद हो रखा है। तो मैं अपने मीन मार्केट फाटा मार्केट में पहुँचने वाली हूँ। ये हमारा मीन मार्केट है। हम फाटा मार्केट से जाएंगे लोकल गाड़ी में, और गाड़ी हमें मिल गई है। गुप्तकाशी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, क्योंकि ये सबका मेन मार्केट भी है। 14 किलोमीटर लोकल गाड़ी का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी मार्केट में। मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से। मिली है मेरी फ्रेंड से, ये है नैना, ये पीछे राखी और ये है निकिता। आज हम सब जा रहे हैं कॉलेज। आज हम जा रहे हैं सब कॉलेज, और 12 तक हमने साथ पढ़ा हम चारों ने। हम सब जा रहे हैं कॉलेज और हम एक ही कॉलेज में रहते हैं। हम गुप्तकाशी मार्केट से पैदल ही रास्ता तय करेंगे कॉलेज का। यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे घास के पेड़ हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये तिमलू का पेड़ है, और यहाँ बहुत सारे घास के पेड़ जैसे मोरू खक्सू हो गया, और ये देखिए बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देखिए लोगों ने ना कच्चा गोबर, मतलब लदूर यहाँ पे इकट्ठा करके रख रखा है। पहाड़ों में ना कच्चे गोबर को लदूर बोला जाता है। और देखिए यहाँ सीढ़ीनुमा खेत भी हैं, और पहाड़ों में ज़्यादातर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और ये बहुत अच्छे दिखते हैं। यहाँ से ना एक खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा है, यहाँ से एक दिख रहा है चौखम्बा पर्वत, और यहाँ से इतने खूबसूरत पहाड़ और सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ों की खूबसूरती को प्रभावित करते हैं। और सामने वाला जो ये गांव है ये उखीमठ है।
से हम जा रहे हैं वो ऐसी सड़क है और हमने पैदल ही रास्ता तय करना है। दीदी ने की वादा करी न मैंने मैं आयू, दीदी ने की वादा करी न मैंने मैं आयू, बोल ही ना बोल। कॉलेज है ये संस्कृत कॉलेज है, ये हमारे जो मतलब गुप्तकाशी विद्यापीठ जो कॉलेज है हमारा ये इसके ही नज़दीक पड़ता है। इस कॉलेज का नाम है संस्कृत महाविश्वविद्यालय। फाइनली हम अपने कॉलेज पहुंचने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना कॉलेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉलेज, हमारे कॉलेज का नाम है गंगाधर मैठाणी राजकीय महाविश्वविद्यालय गुप्तकाशी विद्यापीठ। तो दोस्तों जो कॉलेज का काम था वो हमारा हो गया है, हमने असाइनमेंट भी जमा कर दिया है और पेपर के फॉर्म भी हमने जमा कर दिए हैं और अब हमारी तैयारी है घर जाने की। हम घर जा रहे हैं अब रोड के रास्ते से देखते हैं गाड़ी मिलती है या पैदल जाते हैं। अगर गाड़ी मिलेगी तो हम गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। यहाँ से मुझे इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। पहले 4 से अब 3 हो गए। निकिता क्यों? वो चले गई अपने भाई के साथ। एक वो आज हमारे साथ पहली बार आई थी और उसने पहली बार ही धोखा दे दिया। वही तो हमेशा के फ्रेंड 3 वही तो गांधी जी के। और आज एक सॉन्ग सुनाते हैं आप सबको। अरे मैंने खूब बिंग्याली क्या ची तेरा मन मा तेरी आंखियों मा पड़ियाली सच्ची तेरी माया झूठा सो करार पछाड़ी गयू मैं तेरी माया की सार। वाह 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 कितना अच्छा गाना गाती हूँ मैं। गाना नहीं तो बता देना मैंने कैसा गाया। अब मैं गाना नहीं गा सकती क्योंकि मेरी आवाज़ कम होगी, जरा मोटी आती है। वैसे मेरी आवाज़ इतनी बारीक नहीं है पर मेरी आवाज़ मोटी है। आवाज़ तो मेरी भी अच्छी नहीं है पर मेरे को ये गाना सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा था तो मैंने बोला इसे मेरे ब्लॉग पे बता दिया। वो गाना आपको पसंद आए तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके, शेयर मत करना। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी सगाई हो चुकी है और मेरे सगाई सब सब्सक्राइबर इसकी शादी में पहुंच जाना। अभी तो नहीं है पर जब होगी तो 1-2 दिन पहले बता देंगे। अभी तो फिक्स नहीं हुई पर बता देंगे, हम डाल देंगे पोस्ट, एक भी व्लॉग उसका भी आएगा। ठीक है और सब मेरी शादी में पहुंच जाना, अभी तो पता नहीं। हाँ बिल्कुल। जिस रास्ते से हम शॉर्टकट जाते हैं यहाँ बहुत सारे केले के पेड़ हैं और यहाँ एक गांव भी है पर मेरे को गांव का नाम पता नहीं है कि कौन सा गांव है ये। और यहाँ देखिए बहुत सारे केले के पेड़ होते हैं। तो दोस्तों फाइनली आधा घंटा रास्ता पैदल तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूं गुप्तकाशी मार्केट से। यहां से मिलेगी हमें घर की गाड़ी। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने गांव के रास्ते पे पहुंच गई हूं, आप देख सकते हो। और जो मेरी फ्रेंड लोग थे वो फाटा में उतर गए थे गाड़ी से और वो दूसरे गाँव की हैं और मैं दूसरे गाँव की। अभी मैं कॉलेज जाती हूँ तो हमें लोकल गाड़ी से ही आना जाना होता है और फाटा से गुप्तकाशी जो है 13 किलोमीटर है और वहाँ से नीचे जो है 2-3 किलोमीटर लगभग हमारा कॉलेज दूर होगा गुप्तकाशी से। हमारे गाँव की जो धूप है वो पहाड़ियों पे चली गई है और अब अंधेरा भी होने वाला है और जैसे ये धूप जाती है वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूं और मम्मी भी घर पे नहीं है, शायद मम्मी घास के लिए जा रखी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।